हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस रेगुलरली नहीं देखते हैं, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि हर एक वीडियो में किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था मार्जिन्स एंड पैडिंग। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख के इसको समझ सकते हैं कैसे बॉर्डर लगाते हैं और कैसे हम मार्जिन और पैडिंग देते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल के बारे में। ठीक है, हमने ये चीज़ यूज़ की थी एज ए एट्रीब्यूट, लेकिन अब हम इसको सीएसएस में यूज करने जा रहे हैं फॉन्ट को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं जो हमारी CSS की एक फाइल है जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी तक यूज करते आए हैं। ठीक है, तो इसको हमने नोटपैड में खोल लिया है, इसको हम डबल क्लिक से भी ओपन कर लेते हैं तो ये दोनों जगह ओपन हो जाएगी। ओके, कल हमने एक छोटी सी पोयम लिखी थी जिसके चारों तरफ हमने एक बॉर्डर दिया था, आप देख सकते हैं। तो आज हमें इसी चीज का फॉन्ट चेंज करके हम देखते हैं। ओके, तो हम बॉडी टैग में स्टाइल टैग लगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, स्टाइल इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें हम लिखेंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट डैश लगाएंगे साइज। ओके, अब फॉन्ट साइज हम पिक्सल्स में लिखेंगे, 7 लिख देते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज क्या है हमारी, 7। और इसके साथ ही हम इसको कर लेते हैं सेव, और इसका H1 टैग भी हटा देते हैं यहां से। ठीक है, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, ओनली P टैग हमने लगाया हुआ है, और इसमें बॉडी H6 भी है तो H6 भी हटा देते हैं। ठीक है, बाकी कोड आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल सा कोड है, एक सिर्फ P टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं क्या चेंज होता है इसमें। इसकी साइज काफ़ी छोटी हो चुकी है क्योंकि हमने 7 रखी है। अगर हम इसको 47 कर दें तो क्या होता है, 47 करने के बाद चलिए देखते हैं इसका आउटपुट में क्या चेंज होता है। ये कुछ इस तरह से पोयम आ चुकी है जो कि काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर हम 27 करते हैं यहाँ पे, फिर सेव करते हैं इसको, तो ये परफेक्ट आ जाएगी। ओके, तो हम नेक्स्ट चीज देखने वाले थे फॉन्ट साइज, हमने आपको बता दिया। फॉन्ट स्टाइल की अगर बात आती है तो फॉन्ट स्टाइल में हमें उस स्टाइल का नाम लिखना पड़ता है, फॉन्ट स्टाइल का, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, ये क्या है उसकी फॉन्ट स्टाइल है। ओके, इसी तरह से फॉन्ट वेट हम लिख सकते हैं, लाइट, मीडियम, बोल्ड एंड सो ऑन। वेट मीन्स उसकी हार्डनेस। ठीक है, जिसे हम बोल्ड लिख देते हैं या मीडियम लिख देते हैं, लाइट कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे सेमी कॉलन, और यहाँ लिखेंगे फॉन्ट डैश फॉन्ट वेट, कॉलन देंगे बोल्ड, सेव। तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, 1 मिनट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक समझ में आ रही है मुझे। फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लगाते हैं, देखिए फॉन्ट वेट इसमें काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम फॉन्ट साइज सॉरी फॉन्ट स्टाइल यूज करके देखते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका स्टाइल होगा TIMES टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। इसका स्टाइल चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा फॉन्ट प्रॉपर्टी की जो हमने यूज की थी वैल्यूज, ठीक है। पेज नंबर 207 पे जो ऊपर कोड लिखा हुआ है, इसको आपको अपने मोबाइल फोन पे कंप्लीट करना है। इसका जो आउटपुट आएगा उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि बैकग्राउंड कलर ही उसकी प्रॉपर्टी है, बस उसके बीच में डैश लगा होता है, ओके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट पेज पे जाके। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं लेसन 9 का फर्स्ट पेज, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था बैकग्राउंड कलर के लिए, तो यही उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड दिस CSS रूल डू। CSS का ये जो सिलेक्टर लगा है ये क्या काम करेगा, ठीक है। कलर रेड, यानी कि ये पी टैग में लगा हुआ है, तो यानी कि जो पैराग्राफ लिखा जाएगा वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं वन लाइन में, ठीक है, शॉर्ट आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करके चेक कराना है, उसके साथ ही जो मैंने अभी ये कोड बताया था पेज नंबर 207 पे, इसका आउटपुट भी चेक कराना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।